भारतीय शेयर बाजार के दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला का 62 साल की उम्र में निधन हो गया। वो पिछले कुछ वक्त से बीमार चल रहे थे। झुनझुनवाला को भारत का वॉरेन बफेट भी कहा जाता था। उनके निधन की खबर ऐसे समय आई है जब हाल में उन्होंने अपनी एयरलाइन शुरू की थी जिसका नाम अकासा एयर है। उन्हें शेयर बाजार का बिग बुल भी कहा जाता था। An extremely auspicious occasion. This is an occasion we've dreamt about for a long time, and it's great to see this this occasion actually come to fruition. झुनझुनवाला के बारे में कहा जाता था कि वो मिट्टी भी छू लें तो सोना बन जाए। 36 साल पहले राकेश झुनझुनवाला ने सिर्फ 5,000 रुपए से निवेश के सफर की शुरुआत की थी। आज उनकी नेटवर्थ तकरीबन 40,000 करोड़ रुपए की थी। उनका जादुई हाथ जिस शेयर पर पड़ जाता था वो रातों रात बुलंदियों पर पहुंच जाता था। यही वजह है कि उनकी हर चाल पर निवेशकों की नजर रहती थी। जब उन्होंने निवेश की शुरुआत की थी तभी से ये बात सच साबित होने लगी थी। इसी के चलते राकेश झुनझुनवाला भारत के वॉरेन बफे के नाम से मशहूर हो गए। झुनझुनवाला ने कॉलेज में पढ़ते हुए ही शेयर बाजार में दस्तक दे दी थी। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट से उन्होंने सीए की डिग्री ली। शेयर बाजार में झुनझुनवाला की दिलचस्पी पिता के कारण हुई। उनके पिता टैक्स ऑफिसर थे। वो अक्सर अपने दोस्तों के साथ शेयर बाजार की बातें किया करते थे। झुनझुनवाला को इसमें बड़ा मजा आता था। झुनझुनवाला रेयर एंटरप्राइजेस नाम की निजी ट्रेडिंग फर्म चलाते थे। इसकी नींव उन्होंने 2003 में रखी थी। इस कंपनी के पहले दो शब्द आरे उनके नाम पर थे। वहीं आरी उनकी पत्नी रेखा के नाम के शुरुआती शब्द है। हाल में राकेश झुनझुनवाला ने एविएशन इंडस्ट्री में कदम रखा था। राकेश झुनझुनवाला के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर लिखा, राकेश झुनझुनवाला अदम्य थे, जीवन से भरपूर, मजाकिया और व्यवहारिक। वो अपने पीछे वित्तीय दुनिया में एक अमिट योगदान छोड़कर गए हैं। वो भारत की प्रगति के प्रति भी बहुत भावुक थे। उनका जाना दुखद है। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं। शांति। पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ राकेश झुनझुनवाला की मुलाकात की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी। अपनी इस मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी जमकर तारीफ की थी। टाइम्स नॉन ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।